नमस्कार, मैं हूं विजय मिश्र। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। ग्लोबल भारत न्यूज की टीम आज पहुंची है प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांधरपुर बाजार, जो कि पटेल बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। सदर विधानसभा की जनता किसे अपना वोट देगी और किसे इस बार विधायक बनाएगी, इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? ये बताइए, इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, किसान वाला मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किसानों को परेशान किया। मोदी जी तो कहते हैं बहुत सारा काम किया है योगी जी। अगर सदर विधानसभा की बात की जाए, सदर में कितना विकास हुआ? सदर में कहाँ विकास हुआ? विकास नाम के कुछ नहीं हुआ। गुंडई लपंगई यही हुई है और क्या है। यहाँ तो बुलडोजर चल रहा है। हाँ, वही ठोकर नीति है। आपने देखा होगा अभी जो जिला पंचायत वाला चुनाव हुआ, जी जिला प्रमुखी वाला चुनाव हुआ, कहीं नामांकन नहीं करने दिया गया, लोगों को पीटा गया, मारी गई। आप इतने दिनों से वोटिंग कर रहे हैं, कौन सी सरकार सबसे बढ़िया मानते हैं आप? अखिलेश सरकार में। हाँ, तो गुंडई चरम पे था अखिलेश सरकार। अरे, अखिलेश सरकार में गुंडई जहाँ होती थी तो उन्होंने 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर जो है लागू किया कि जहाँ झगड़ा लड़ाई हो, मारपीट हो, 10 मिनट के अंदर जो है पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती थी। तो किसकी देन है? अखिलेश यादव की देन है। अभी तक तो कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाया सदन में। सर, कैंडिडेट आएगा, केवल निशान है, निशान ही पर्याप्त है। समाजवादी का निशान ही पर्याप्त है, साइकिल पर ही लोग करेंगे। साझा, आप बताइए, आप काफी बुजुर्ग हैं, ये बताइए सदर में कितना विकास हुआ है? बढ़िया विकास। भाजपा की सरकार कैसा मानते हैं? क्यों नहीं, क्या नहीं, सब कुछ तो हुआ, सब कुछ तो हुआ है। लोगों को भोजन मिल रहा, मकान बना रहे, शौचालय बना रहे, और क्या चाहिए हम लोगों को। ये बताइए चाचा, कर रहे हैं रोजगार नहीं मिला, लोग परेशान हैं। अब भाई चाचा कुछ भी कहे, हम तो नहीं कहेंगे। तेल महंगा हुआ, सरसों तेल महंगा हो गया। हम कह रहे हैं जनता ज्यादा है तो तेल खाएगा तो महंगा हो ही गया, उसमें क्या बात। क्या पहले जनता नहीं खाती थी? खाती थी। अच्छा, ये बताइए बसपा भी यहाँ पर शासन अच्छा रहा है 2007 में हसन जय तिवारी विधायक थे, उसके बाद से बसपा को लोगों ने नकार दिया, इसका क्या वजह है? अब वो यही, जब आप काम नहीं करेंगे तो नकार तो देगी जनता, अगर भाजपा नहीं काम करेगी तो भी जाएगी। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। सर, आप बताइए इस तरीके का माहौल है सदर में, किसका माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर बाबा का माहौल, बाबा का माहौल है। क्या बाबा का अच्छा लगे? बाबा जो गैस फ्री पाए, सिलेंडर पाए, कौन है पावत है सरकार में? हम तो जाते हर चीज पावत है। बेकार है बाबा, यही सब बाबा, ऐसा एक बाबा चलिए यहाँ किसी ने बताया किस वोटिंग करेंगे आप? मतलब यहाँ जब जाऊँगा देखूंगा क्या माहौल है वहाँ का। अच्छा, यहाँ देखिए जो है बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग मानना है कि किस तरह का माहौल है। आप बताइए भाई सब, क्या माहौल है? सपा 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 को क्यों वोटिंग करेंगे? सपा को वोटिंग करेंगे। अरे आइए, कहीं कांग्रेस और बसपा का विचार आधार है? सीधी लड़ाई किसके बीच मारते हैं? आप बताइए, आप मने जाते हैं लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, बुजुर्ग मोदी कुछ काम नहीं किया योगी, काफी परेशान लग रहे हैं, लेकिन यहाँ गुंडाई भी बहुत ज्यादा होती है, नहीं होती। कुल मिला के कांधरपुर वासियों का अलग अलग मत है।